हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल OESF फैमिली रिएक्शंस। मैं हूं वकास। मैं हूं मोहम्मद सदीक अवान। तो ये लेकर आए हम आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो, तो उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसके अलावा जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका लिंक हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है असदुद्दीन ओवैसी ऑन सीएम योगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो और देखते हैं कि वीडियो में क्या बात की जा रही है। अरे ये समाजवादी का नेता अखिलेश यादव एयर कंडीशन कमरों में बैठकर एक फोन लेकर 280 वर्ड का ट्वीट कर देता है। अरे नाम तक नहीं ले सकता अतीक कौर अशरफ का, नाम नहीं ले सकता क्योंकि डरते हैं। अरे अगर माफिया है तो कहां कहां नहीं है माफिया का, सबसे उस तरह का सलूक किया जाएगा। अगर है तो इस्तेमाल करो कानून को, मगर ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जो पॉलिसी बनाई है कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि गांधी को मारने वाले का नाम गोडसे था, गांधी को मारने वाले का नाम गोडसे था, तो गोडसे को पकड़ा गया और गोडसे पर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद कोर्ट से उसको फांसी की सजा दी गई। इसको बोलते कानून की कामयाबी। गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता इस देश में, गांधी से बड़ा बाबा साहब अंबेडकर थे, मगर गांधी को मारने वाले को हमने कोर्ट में केस चलाया, राजीव गांधी को बम छोड़ाने वालों को केस चलाया, जेल में रखा चेन्नई में, इंदिरा गांधी को मारने वालों को हमने केस चलाया और जेल में रखा और सजा दी। ये कानून की कामयाबी है, ये गुंडों की कामयाबी नहीं थी। और आप देख लो पाकिस्तान से अजमल कसब आया, बंबई की मुंबई की सड़कों पर खून की होली खेल रहा था, उसको जिंदा पकड़ने में हमारा एक बहादुर पुलिस का सिपाही शहीद हो गया। हमने अजमल कसब पर मुकदमा चलाया, कोर्ट ने सजा दी, उसको फांसी पर चढ़ाया, तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि इस आतंकवादी को अपने कब्रस्तान में दफनाने की जगह नहीं देंगे, तो जेल के किसी कोने में ले जाकर उसको दफन कर दिया गया। यह कानून की कामयाबी है। हम क्या कह रहे हैं कि कानून की कामयाबी हो, गोली की कामयाबी ना हो। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो कानून के मुताबिक चलेगा, सजा देगी तो गोली नहीं कोर्ट सजा देगी। अगर गोली से सजा दी जाएगी तो फिर बताओ इस देश में संविधान का क्या होगा। अगर गोली से खत्म करना है तो कोर्ट को ताले डाल दो, अगर गोली से खत्म करना है तो संविधान को फेंक दो उठाकर, इसकी जरूरत ही नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मरने वाले का नाम अतीक और अशरफ नहीं होता, हमारा किसी का नाम राजू और राम भी होता, तो असदुद्दीन ओवैसी इसी तरह से मुखालिफत करता। क्योंकि मेरा मानना यह है कि भारत के लोकतंत्र में कामयाबी उस वक्त होगी जब संविधान कामयाब होगा, जब कोर्ट से सजा दी जाएगी, जब कानून के मुताबिक किसी का घर तोड़ा जाएगा। मनमानी नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए, एक मुख्यमंत्री हैं, धर्म गुरु भी हैं, और वो विधानसभा में खड़े होकर गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। क्या ये जेब देता एक मुख्यमंत्री को, एक धर्मगुरु को, कि बोले कि मुख्य हम मिट्टी में मिला देंगे? अरे हम तो मिट्टी से, हमारे रब ने हमको बनाया, हमारे रब ने हमको मिट्टी से बनाया। तो शैतान ने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा तू, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया, तो अल्लाह ने कहा निकल, हम मिट्टी से बनाए गए, मिट्टी में ही जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, हम इस मिट्टी में पैदा हुए, हमारी मां ने हमको 9 महीने अपने कोख में रखा, इसी मिट्टी में पैदा किया, जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा इसी मिट्टी में जाएंगे और इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे कब्रें जब खुलेंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है कि भारत के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बने हैं,
और उनके अतराफ में लोग कहते हैं कि वो भारत के कभी प्रधानमंत्री बनना भी चाहते हैं। न ठीक है, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखिए, ख्वाब देखिए, मगर गोली से देश नहीं चलता मुख्यमंत्री, संविधान से चलता है जो बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ। तो भाई वीडियो हो गई है यहाँ पे कंप्लीट, और मैं पहले अब्बू को बता दूं, मैंने शायद कल वाली वीडियो में भी ये बात की थी कि अतीक अहमद और अशरफ, जिनका कोई 2-3 महीने पहले एनकाउंटर किया गया यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके रिप्लाई के अंदर जो है ये असदुद्दीन उवैसी ने ये अपनी क्या इसको कहेंगे जलसा था या जो भी था ये किया, और उसमें ये बात कर रहे थे। अच्छा मैं यहाँ पे एक दो बातें करता हूँ, फिर अब्बू को दूंगा, क्योंकि अब्बू डिपार्टमेंट के बंदे हैं, कानून को बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं, किस तरह से होता है दोनों तरफें अब्बू बता देंगे। लेकिन मैं क्योंकि अब्बू डिपार्टमेंट से थे तो जारी बात है मेरा बचपन भी सारा इन्हीं चीज़ों को देखते हुए गुजरा, और मैं पर्सनली कुछ ऐसे ऑफिसर्स को जानता भी था और आज के दौर में भी ऐसों को जानता हूँ जो ऑन ड्यूटी हैं अभी भी। देखें ऑफिसर्स मैंने ना अपनी ज़िंदगी में दो किस्म के देखे हैं, एक कहता है कि बंदा ख़त्म करो तो जुर्म ख़त्म हो जाएगा, वो कहते हैं ये केस फाइल करो जेल में डालो, इन चीज़ों को टाइम वेस्टिंग है क्योंकि ये बाहर निकलेगा फिर वही काम करेगा, इससे बेहतर है इसको ख़त्म करो जान छोड़ो। दूसरा बंदा कहता है कि बंदा नहीं ख़त्म करो उसके अंदर की बुराई को ख़त्म करो। अब ये दो अलग अलग मैंटेलिटीज़ हैं, हर बंदे की अपनी एक सोच है। एक बंदा जो है वो सोच रहा है कि बंदा ख़त्म करने से जुर्म ख़त्म हो जाएगा, दूसरा कह रहा है नहीं जुर्म ख़त्म करो बंदे को बचाओ। तो ये दोनों अलग अलग किस्म के बंदे हैं। अब सीएम योगी साहब की जो कैटेगरी है वो मुझे पहले वाले बंदों में जो है वो फील होती है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स जो टेररिज्म को लेकर आते हैं या टेररिस्ट को लेकर आते हैं वो इस चीज़ को साबित कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई बंदा ख़त्म करो, ना ये होगा ना जुर्म होगा। तो अब जारी बात है आज के दौर में भी डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो दोनों तरह की सोच रखते हैं और दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है, और ऐसे लोग जो बंदा ख़त्म करने की बात करते हैं वो किसी ना किसी नाम से मशहूर भी हो जाते हैं। कुछ टाइम पहले सलमान खान की एक फ़िल्म आई थी दबंग, आप लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर उस फिल्म से इंस्पायर हो गए बहुत सारे पुलिस वालों ने, वही स्टाइल और वो चीज़ें सारी चीज़ें उसी तरह के काम करना शुरू कर दी और बड़े वो फेमस भी हो गए अपनी अपनी जगह पर। बहरहाल अब्बू डिपार्टमेंट में रहे हैं, अभी हम असदुद्दीन उवैसी साहब ने तो जो एलिगेशंस लगाए या जो भी बातें की हम उस तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन हम कानून के मुताबिक बात करते हैं कि कानून इस चीज़ को किस नज़रिए से देखता है, क्योंकि कानून में भी ऐसे लोग हैं जो ये दोनों सोच रखते हैं कि या तो बंदा ख़त्म कर दो या बंदे इसके अंदर से बुराई ख़त्म करो। अब अब्बू बेहतर जानते हैं, अब्बू बताएंगे कि ये क्या है और किस तरह से होना चाहिए असल में, गोली के जवाब गोली से देना बेहतर है या कुछ मौकों के ऊपर ये चीज करनी पड़ जाती है या करनी करते हैं, जो भी है अबू बताएंगे। आज ये जो अवैसी साहब ने बात की 100% मुत्तफिक हैं, बिल्कुल सही। कानून किस लिए बने, आइन किस लिए बने, आइन ने कोई हदें रखी हुई हैं आवाम के लिए भी और हुकूमतों के लिए भी कि कहाँ तक चलना है। तो अदालतें क्या हो, काले लगा दो फिर, ये मार दो गोली, मट्टी से मट्टी कर दो, ये भी चीज़ें गलत हैं। हर चीज़ कानून को, कितना बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, दुनिया देख रही हो कि वाकई मुजरिम है, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि आप उसे इस तरह मार दें, इनकाउंटर कर दें। इनकाउंटर करने वाला मुजरिम करार दिया जाएगा, मुजरिम है वो कि कानून उसने अपने हाथ में ले लिया, इंसाफ अपने हाथ में ले लिया, तो फिर इन जजों को घर भेज दे, छुट्टी करा दे। तो बात यह है कि इतना भी दबंग नहीं होना, क्योंकि मट्टी से मिला देंगे तो कानूनी तौर पर मिलिया मेट कर देंगे, ये अल्फाज तो दुरुस्त है, लेकिन वो अगर कोई और तासुर दे रहे हैं कि हम गोलियां मार मार के ख़त्म कर देंगे, तो गोलियां मरते रहेंगे तो ऐसे और भी पैदा होते हैं। एग्जैक्टली, मरते रहेंगे तो ऐसे और बहुत पैदा हो, दो मारोगे चार खड़े हो जाएंगे। तो भाई कानूनी रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए, इनकाउंटर चाहे यहाँ है वहाँ है ये तो बुरी चीज़ है, वो शख्स मुजरिम है,
जो इनकाउंटर करता है, हमारे यहाँ तो ये भी कानून है कि ये इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन बात सर फिरे अफसरान करते हैं तो भुगतते भी हैं, अवामी हृदय अमल भी आता है, सब आता है। तो जनाब कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, कोई दहशतगर्द है, उसे कानून के मुताबिक अरेस्ट कर, वो अलग बात है कि एक मुकाबला हो जाता है, अगले कोई वो अपना एक्शन दिखाता है, एक मजबूरी बन जाता है, वो अगर मारा जाता है तो वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुकाबला, लेकिन एक बंदे को पकड़ के और फिर झूठा चल भाई भाग और पीछे से गोलियां मार देना और उसको ये कर देना वो कर देना, या वो सोते हुए पे जाके धड़ाधड़ तो इनकाउंटर कर देना और झूठ बोल देना कि मुकाबला हो गया और ये हो गया और वो हो गया। ज़ाहिर है झूठ तो बोलना पड़ता है ना, ऐसे तो कोई नहीं कहेगा कि वो सो रहे थे हमने जाके मार दिया, फिर जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ता है। तो झूठ मूठ की एक कहानी गढ़ के, और तो भाई अदालतें इसीलिए बनी हैं, वो फैसला करेंगे, कानून इसीलिए बनाया गया है, इसलिए नहीं बनाया गया कि कानून क्या कह रहा है तुम क्या करो, क्या कर रहे हो, चाहे वो इदारे हो, पुलिस वाले हो या अदालतें हो या कोई और हो, कानून पे चलना चल पड़ता है। तो मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और दहशतगर्दों की हमायत बिल्कुल नहीं है, इनको कफीरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए जो मासूम लोगों को परेशान करते हैं, कत्ल करते हैं या हुकूमतों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, उन्हें कफीरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। अच्छा अबू वाली बात को मैं ना एक चीज़ को थोड़ी सी बात करता हूँ फिर वीडियो को एंड करते हैं। अबू ने जैसे बात की ना एक मारोगे चार पैदा होंगे, ये हकीकत है। देखें सोसाइटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, अगर आप इस नीयत से कर रहे हैं कि यार हम इनको इस तरह से सजा देंगे तो बाकियों के दिलों में डर पैदा होगा, वो डर जाएंगे, ठीक है ऐसा होगा भी किसी हद तक ऐसा होगा, लेकिन दूसरी तरफ इसका इम्पैक्ट ये भी आएगा कि जो मारे जाएंगे ना उनके खानदान में से, उनके घर में से बदला लेने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे और वो फिर उसी रास्ते पर चलेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे बंदे के साथ जुल्म हुआ, उसको नाजायज मार दिया गया। तो इस तरह से जो है वो इसकी दोनों सूरतें होंगी, शायद कुछ लोग डर जाएं, शायद कुछ लोग जो है वो फिर बदला लेने के लिए खड़े हो जाएं, और खड़े ज्यादा होंगे, डरेंगे कम लोग। माफी चाहता हूँ, वो डर खौफ वाले जमाने चले गए, बस अब कोई नहीं डरता। गैर कानूनी काम होगा हर कोई खड़ा होगा, कानूनी होगा खामोशी से बैठ जाएंगे, बहुत ज्यादा दो चार दिन रो लेंगे कि फैसला अच्छा नहीं आया या गलत आया बाकी, लेकिन जब हुकूमतें खुद किसी को मिलिया मेट करना शुरू कर देंगे तो रद्दे अमल आता है और हमेशा आएगा, और दो जाएंगे तो उसकी जगह चार खड़े हो जाएंगे, तो फिर इस तरह तो बढ़ता है मामला, घटता नहीं। घटने का यही तरीका है कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से, जमहूरियत के तरीके से अपने काम को चलाएं। चलें खैर जी, वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज़।